इस खबर के प्रायोजक हैं ब्रिजेश दुबे, प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यव्रत महासभा उत्तर प्रदेश, नेता नहीं आजमगढ़ का बेटा। नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने ऐतिहासिक बजट के लिए प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए बताया कि ये बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए होगा और आम लोगों के हित में है। वहीं निजीकरण व पीपी मॉडल को लेकर उठ रहे सवाल पर उन्होंने कहा कि जो सरकारी विभाग व कंपनी बोझ बन गई है और जिसको चलाने के लिए आम जनता के भारी भरकम टैक्स का उपयोग करना पड़ रहा है, अगर उसको सही से संचालन के लिए निजी हाथों में दिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सरकार ने विनिवेश के माध्यम से 1,75,000 करोड़ का लक्ष्य रखा है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में काम आएगा। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष जिस प्रकार से वैश्विक महामारी कोरोना के चलते सभी तंत्रों पर बुरा असर पड़ा था, उसके बाद भी पिछले वर्ष से बड़ा बजट रखना सरकार की काबिलियत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि किसान और मिडिल क्लास सरकार की प्राथमिकता में है और ये सर्विस सेक्टर की मजबूत नींव है, इसलिए इन पर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। उन्होंने कृषि कानून बिल को भी किसानों के हित में बताया और कहा कि इससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है जबकि फायदा ही हो रहा है। उन्होंने पेट्रोलियम और एलपीजी सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी पर भी सरकार का बचाव किया और कहा कि जो भी टैक्स लिए जाते हैं वो आम हित के उपयोग में भी खर्च होते हैं। रेल बजट पर भी उन्होंने कहा कि हर साल नई ट्रेन शुरू करना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए बल्कि जो पुराने अधूरे कार्य है उनको ठोस तरीके से पूरा किया जा सके, इस पर सरकार ध्यान दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग पूरे देश में ये था कि 13, 14, 15 में हर एक जिले में जाकर जो बजट की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लोगों तक पहुँचाएँ और आप लोगों के माध्यम से हम लोग वो लोगों तक पहुँचाएँ। और इस बजट का जो आप लोग देख सकते हैं जो रिएक्शन है लोगों के बीच वो बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छा जो चीज़ होती है पता चलता है सेंसेक्स है, सेंसेक्स लगातार बढ़ रहा है तो ये माना जा सकता है क्योंकि वो सेंसेक्स हर चीज़ से जुड़ा होता है, हर एक प्रोडक्ट से जुड़ा होता है, तो हर एक वर्ग में इसको सराहा गया। इस बजट को निर्मला जी ने बड़ा सोच समझ के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा अच्छा बजट बनाया है जिसकी ना केवल देश में बल्कि विदेशों में तारीफ की जा रही है कि जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके लिए सोचा गया है। वैश्विक महामारी के बाद जो सबसे ज़्यादा संकट में लोग थे उनके लिए सोचा गया है। स्वास्थ्य के लिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रावधान किए गए, करीब 137% स्वास्थ्य की जो बजट है उसको बढ़ाया गया है। शिक्षा में इसमें बात की गई है कि हायर एजुकेशन को कैसे और अच्छा किया जाए, नई शिक्षा नीति को कैसे लागू किया जाए। सबसे बड़ा जो मैं महत्वपूर्ण पॉइंट मानता हूँ इसमें पीने के पानी के लिए जो किया गया है, जो हम लोग ने तय किया कि अगले एक साल में हम लोग 286 घरों तक 2.86 करोड़ लोगों तक घरों तक हम लोग पानी, स्वच्छ पानी पीने का पहुंचाएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लगातार कहते आए हैं। टीका के लिए, वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ रुपया अलग से रखा गया है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि किस तरह जो COVID-19 है उसके हम लोग उससे छुटकारा पाएँ, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वैक्सीन है, तो 35,000 करोड़ वैक्सीन के लिए लगाया गया है। विकास के लिए, आगे जो हम लोग का विकास हो सके उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं पहले बताना भूल गया कि R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो पहले हम लोग इसके बारे में नहीं सोचा जाता था, इनोवेशन नई चीज़ों में हम लोग निवेश करें, जो नौजवान साथी हम लोग के नई सोच लेके आ रहे हैं उनको हम लोग कैसे इंसेंटिवाइज करें कि उनको पैसा दें कि वो नई सोच के साथ इस देश के प्रोडक्ट आगे तक पहुंचाए जाए, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब तक रिसर्च नहीं करेंगे नए चीज़ें नहीं आती हैं। हम लोग पे यही कहा जाता है कि हम लोग रिसर्च पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा, लगातार वो पिछली बार से ये तय किया उन्होंने कि रिसर्च हम लोग करेंगे और नई चीज़ें। भारत अब विश्वगुरु बनना चाहता है तो विश्वगुरु में बनने के लिए
हम लोगों को सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।